हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी मंजिल है एक ताल, एक झील जो चारों ओर से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है और ये एक उत्तम पारिवारिक गंतव्य है। तो चलिए चलते हैं और आनंद लेते हैं प्रकृति की गोद में स्थित इस रमणीक स्थान का। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी 55 किलोमीटर है। रूट है चंडीगढ़ से पंचकुला होते हुए नाडा साहिब से 1 किलोमीटर आगे बाईं तरफ ये सड़क मुड़ रही है मोरनी के लिए। ये इलाका हरियाणा के पंचकुला जिला में आता है। अगर मंजिल के साथ साथ रास्ता भी खूबसूरत हो तो सफर का मजा दोगुना हो जाता है। यहाँ से बाईं तरफ रास्ता जाता है गांव मोरनी के लिए और सीधे सड़क जा रही है टिक्कर ताल को। यहाँ से महज 8 किलोमीटर पर है टिक्कर ताल। रास्ते में कई ढाबे और चाय कॉफी और खाने पीने की दूसरी दुकानें हैं। पहाड़ी रास्ता और सड़क काफी छोटी है, इसलिए वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी अति आवश्यक है। सारा रास्ता दिलकश नजारों से भरपूर है। इनका आनंद लेने के लिए अपना वाहन अच्छी तरह से पार्क करें, जिससे कि दूसरे वाहन चालकों को कोई असुविधा ना हो और आप भी सुरक्षित रहें। कुछ युवा और बच्चे स्थानीय उत्पाद और फल इत्यादि बेचने के लिए सड़क के किनारे खड़े देखे जा सकते हैं। हमारे बाएं तरफ एक सुंदर ताल दिखाई दे रहा है, चलिए जरा करीब से देखते हैं। कुछ बच्चे बकरियां चरा रहे हैं। सुहावना दृश्य, कुल मिलाकर याद रखने लायक। क्या हुआ, मजा नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। असल में यहाँ पर दो झीलें हैं, ये वाली छोटी है, दूसरी इससे थोड़ा सा आगे है कुछ ही दूरी पर। अरे वाह, हमारे अनुमान से कहीं अधिक पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वाहन पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, फिर भी कुछ लोग यहाँ वहाँ कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। ये है हरियाणा टूरिज्म का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। उतार चढ़ाव से भरे इस जीवन में कुछ खुशनुमा समय जरूर होता है और उस समय में से बेहतरीन पल वो होते हैं जो परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए हों, वो भी प्रकृति की गोद में। इस कॉम्प्लेक्स के आसपास खूबसूरत प्लांटेशन की गई है, इससे इसकी सुंदरता में इजाफा हो रहा है। यहाँ कुछ फन एक्टिविटी का भी प्रबंध है। टायर्स को बांधकर आर्टिफिशियल वॉल बनी है। एक स्थान पर पोल्स पर रोप ब्रिज बनाया गया है, यानी टोटल धमाल का बंदोबस्त। आने वाले दिनों में यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी शुरू करने की सरकार की योजना है। अब चलते हैं यहाँ के प्रमुख आकर्षण की ओर, यानी झील की ओर। नहीं नहीं, झील नहीं, ताल कहेंगे, क्योंकि एक झील को इस इलाके में ताल कहते हैं और इसलिए इसका नाम भी है टिक्कर ताल। ये बोटिंग के लिए टिकट काउंटर है।
रंग बिरंगी खूबसूरत बोट्स तैयार खड़ी हैं। बस आपके यहाँ पहुँचने भर की कमी है। वीडियो के आरंभ में बताए गए मार्ग के अलावा यहां आप रायपुर रानी की तरफ से भी पहुंच सकते हैं और इस तरफ वाला रास्ता भी कुछ कम आकर्षक नहीं। चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरे इस ताल की बात ही कुछ और है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।